हाँ जी सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। हम लोग इस समय इस पृथ्वी पर बैठे हैं कलयुग में, 28वां कलयुग है और इसको शर पुरुष के नाम से हम जानते हैं। इसके परे बेहद का ब्रह्मांड जिसको योग माया के नाम से जानते हैं, अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद स्वरूप, चार स्वरूप, अव्याकृत ब्रह्म, उसके आगे सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म की चारों पादों के आगे अब परम धाम, जहां से आत्माएं इस संसार के खेल को देखने उतरी हैं। कुछ चुने हुए ब्रह्म सृष्टियों के तनों में उन्होंने इस लीला को देखना शुरू किया है और अनहोनी के रूप में ये हुआ कि आत्माओं का इस संसार में प्रकटन हुआ। इससे पहले न कभी आत्माएं इस संसार में आई हैं, न कभी आएंगी। सिर्फ इस 28वें कलयुग को विशेष ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इसमें आत्माएं और परम धाम का सारा ज्ञान और आवेश स्वरूप से स्वयं परमात्मा प्रकट हुए। तो आप प्रश्न करेंगे, परमात्मा कैसे प्रकट हुए? तो वेदों में इसकी साक्षी लिखी है और जो कुलजम स्वरूप वाणी, जिसको तारतम वाणी बोलते हैं, उसमें भी कहा है, ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने ब्रह्म जैसी तदोगत, यानी अक्षत और श्रृंगार में भी यही लिखा है कि तुम रूहे मेरे तन हो, कि परमात्मा और आत्माओं को भिन्न नहीं कहा जा सकता। सूर्य और उसकी किरणें कभी अलग नहीं हो सकती। तो अगर आत्माएं अनहोनी रूप में इस संसार में प्रकट हुई हैं, तो परमात्मा भी आवेश स्वरूप से इस संसार में प्रकट हुए हैं और आत्माओं से अलग नहीं है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वाणी मंथन चितवनी और रहनी का कोई विकल्प नहीं है, हम सब ये भी जानते हैं कि सतगुरु द्वारा रचित कितनी भी पुस्तकें हम पढ़ लें, लेकिन जब तक हम गुरुकुल में, आश्रम में या उनकी सानिध्यता में, जब तक हम ज्ञान और शिक्षण प्रशिक्षण ग्रहण नहीं करते, हमें मार्गदर्शन उचित प्राप्त नहीं होता, उसका कोई विकल्प नहीं है। परम धाम की ब्रह्मात्माएं जब इस संसार में उतरी, तो सर्वप्रथम सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के द्वारा जो लीला हुई, उसमें भी कुछ ऐसी अनहोनी चीजें हुई आड़िका लीला के रूप में, जिसमें यमुना जी की, परम धाम की यमुना जी को प्रकट किया गया। तो ये सब एक्सेप्शंस हुए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो मार्ग छोड़ देना है जो मिहिरराज, जो श्री प्राणनाथ जी ने हमें चित्वनी, प्रेममयी ध्यान और चित्वनी और वाणी मंथन और रहनी का जो हमें मार्ग दिखाया, उसको छोड़ना नहीं है। एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं तो एक्सेप्शंस हर हर जगह होते हैं और एक्सेप्शंस को हम करेक्ट या इनकरेक्ट, रॉन्ग या राइट नहीं बोल सकते, एक्सेप्शंस होते हैं। इसी तरीके से आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कोविड की वजह से जो ये तारतम मंत्र का, तारतम ग्रहण करने का ये ऑनलाइन मीटिंग रखा गया है, एक्सेप्शन के रूप में इसे माना जाए। और श्री राजन स्वामी जी के द्वारा जो भी सुंदर साथ यूएस और इंडिया में है, उन सबके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। तो मैं सबको अपनी तरफ से शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं कि वो सब अपना आत्मा का सूत्र, आत्मा का रिश्ता परमात्मा के साथ स्वामी जी के द्वारा जोड़ें और उन सब की जो भी आत्मिक इच्छाएं हैं और उस आत्म जागनी के पथ पर वो आगे दौड़ें इस तारतम लेने के बाद। प्रेम प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया कि यूएस सुंदर साथ ने बोला कि बस अब बहुत हो गया, अब हम और लॉकडाउन की या फिर दूरी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि कब हम इंडिया जाएंगे, कब हम ये श्री तारतम ग्रहण करेंगे। उन्होंने बीतक पढ़ी, वाणी पढ़ी और अब उनके अंदर तड़प इतनी बढ़ गई कि अब हमें तारतम लेना ही है। उन्होंने श्रीमती मीनू ग्रोवर जी से बात की और उन्होंने आगे बात कर ये संभव कर दिखाया। आज के लॉकडाउन में राजजी महाराज ने ये भी संभव कर दिखाया कि इतनी दूर से, और जुड़ना तो आखिर हमने पारब्रह्म पिया पिया जी से ही है। तन का तो यहाँ कुछ लेना देना है नहीं, पर सतगुरु केवल हमें सच्ची राह दिखाते हैं और पिया जी से जोड़ देते हैं। तो ये बहुत, जैसे ही ये खबर, ये न्यूज हमारे सब सुंदर साथ को कल मिली है, वो खुशी से झूम उठे हैं और सब सुंदर साथ ने आशीर्वादों की और प्रेम की बौछार कर दी है। हम सब ऐसे सुंदर साथ
साथ पर अमेरिका सुंदर साथ ने ये इनिशिएटिव लिया, वो हमेशा इनिशिएटिव लेने में आगे रहे हैं, और उसके बाद इंडिया के सुंदर साथ, भारत के भी ऐसे सुंदर साथ जो लॉकडाउन या दूरी की वजह से आज तक स्वामी जी से नहीं मिल पाए थे या फिर सरसावा नहीं आ पा रहे थे, तो उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम भी इस अवसर का लाभ उठाएं और पीछे ना रह जाएं, और ये श्री तारतम श्री राजन स्वामी जी से ग्रहण कर कृतार्थ हो जाएं। तो एक मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी, एक सुंदर साथ जी ने लिखा है स्पेशली, मूल मिलावे में ऐसे बिठाया कि जाने कभी जुदा नहीं होंगे, और खेल में ऐसे जुदा किया कि कभी जुड़ नहीं सकेंगे, फिर कोरोना ऐसा ला दिया कि किसी से जुड़ नहीं सके, सोशल डिस्टेंस करवाया, और अब इंटरनेट से खुद को अपने खुद से अपने असल इश्क से जोड़ रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे अलग करके खुद से जोड़ देंगे धनी, अब तो प्यारी लियाओ प्यार करो दीदार। बहुत अच्छी शुभकामनाएं उन्होंने भेजी हैं। पल्लवी पांड्या सुंदर साथ हैं ये गुजरात से, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और अब स्वामी जी और आप आपस में बात कीजिए, और हम सब सुंदर साथ ये देखकर खुश होंगे कि और हमारी रूहें और हमारे सुंदर साथ आकर आज हमसे मिल रहे हैं। प्रणाम जी। आशीष उनको अनम्यूट कर दीजिए स्वामी जी। जी स्वामी जी, स्वामी जी आप दो शब्द जरूर बोलिए और फिर आप स्टार्ट कीजिए प्रोसेस। आशीष आप अनम्यूट कीजिए, आशीष अनम्यूट कीजिए, आशीष आप म्यूट पे हैं। ओके, अभी जब स्वामी जी बोल रहे हैं सब लोग म्यूट पे रहेंगे, उसके बाद सबको कोहोस्ट एक्सेस है, फिर जब बोला जाए तो आप अनम्यूट कर सकते हैं स्वयं को, लेकिन अभी सब म्यूट रहेंगे। प्रणाम जी। जब तक स्वामी जी बोल रहे हैं मेक श्योर कि आप सबने फूल हार और भोग अपने पास रख लिया है और आप तारतम लेने के लिए रेडी हैं, और अपने कैमरा जरूर ऑन करके रखिए और स्वामी जी के पीछे पीछे उच्चारण कीजिएगा। हाँ जी स्वामी जी। प्रणाधार सुंदर साल जी, तारतम ग्रहण करने का अर्थ होता है हमारी आत्मा का उस सच्चिदानंद पर ब्रह्म से निरंतर तारतम्य बन जाए, जिससे किसी भी तरह का व्यवधान न हो हमारे मन में कि पर ब्रह्म कहाँ है, कैसा है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, हमारी आत्मा का मूल प्रियतम कौन है। इन तथ्यों का जो समाधान मिलता है और हमारे हृदय में पूर्ण ज्ञान का प्रकाश हो जाए, इसको तारतम ग्रहण करना कहते हैं। सामान्यतः यही समझा जाता है, तारतम ग्रहण को मंत्र दीक्षा के रूप में प्रचारित किया जाता है, और सामान्य जन को ये नहीं पता कि मंत्र का अर्थ क्या होता है। मंत्र मननात मंत्र है, जिससे का मनन किया जाए। मंत्र में ज्ञान निहित होता है, उस ज्ञान को आचरण में लाने के लिए वेद का निर्देश है। ये नहीं कह दिया गया कि मंत्र को केवल जपते रहिए, जप से कुछ सिद्धियां मिल सकती हैं, लेकिन वो परब्रह्म तक नहीं ले जा सकता, क्योंकि जब मन वाणी के धरातल पर होता है। एक अशिक्षा के अंधकार में एक अंध परंपरा चल गई कि जैसे कंठी दे देना, कान में फूंक मार देना, वेद शास्त्र में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। पहले तो आप ये समझिए कि तारतम आप ग्रहण कर रहे हैं। दीक्षा किसको कहते हैं? व्रतेन दीक्षाम अपनोति, व्रत को धारण करना। व्रत किसको कहते हैं? उपवास रखने को व्रत नहीं कहते हैं। इसमें पांच चीजों का पालन कराया जाता है। एक, परब्रह्म पर अटूट निष्ठा। हम अक्षरातीत के सिवा अन्य किसी को अपना आराध्य न बनाए, हमारे हृदय मंदिर में केवल वह बसता रहे। दूसरी प्राथमिकता है कि रात्रि को सोने से पहले या सवेरे उठने के पश्चात हम उसको हृदय मंदिर में धारण करें, ध्यान करें, ये अवश्य करना होगा। वाणी का चिंतन, क्योंकि जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तब अज्ञानता के अंधकार में कोई भी भटक सकता है। ज्ञान ही तो वो सत्य की राह दिखाता है जिस पर चलने के लिए हमें अग्रसर होना है, और तारतम ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है परम लक्ष्य की प्राप्ति। तारतम का मतलब ये नहीं होता है कि आपने गले में कंठी बांध ली, किसी ने फूंक मार दिया। पहली बात तो ये बताइए,
चार वेद, चार उपवेद, चार अंग, छह उपांग में कहां लिखा है कि कान में फूंक मारिए? ये तो अशिक्षा का द्योतक है, अज्ञानता के अंधकार का द्योतक है, ये मध्यकाल की विकृति है, जब उच्च वर्ग के लोग ये इंसान नहीं कर सकते कि हमारे साथ कोई स्त्री बैठ करके दीक्षा ले या शूद्र बैठ करके दीक्षा ले। तो पुरोहितों ने, अज्ञानी लोगों ने कठोर प्रतिबंध बना दिया कि यदि यदि हम सार्वजनिक रूप से कहेंगे तो कोई भी सुन लेगा, इससे अच्छा है कि कान में कहकर कान में फूंक मार दो। और आज के युग में ये कैसी शताब्दी चल रही है, आज के युग में भी यही अंध परंपराएं चलती रहे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं। मैं अभी कह रहा था कि व्रत को धारण करना ही दीक्षा है। पहला व्रत एक अक्षरातीत पर अटूट निष्ठा, अटूट प्रेम, और उसको हम प्रातः और संध्या और सायं दोनों समय चितवनी के रूप में क्रियान्वित करें, वाणी का चिंतन करें, किसी भी प्रकार का मादक आहार न सेवन करें। यदि हम शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, किसी तरह का नशीला पदार्थ हम प्रयोग में लाते हैं तो हमारी बुद्धि विकृति हो जाएगी और तमोगुणी आहार हमारी बुद्धि को इस प्रकार से भ्रमित कर देगा कि न हम ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं न परमात्मा का ध्यान करके उसको पा सकते हैं। इसलिए ये चीज हमें अनिवार्य रूप से करनी होती है। सत्य बोले हम दूसरे के पदार्थ को हम लेने का प्रयास न करें, जिसको चोरी करना कहते हैं, सारा संसार इससे लिप्त है, ये मुख्य मुख्य नियम है। लेकिन जो इसमें तीन सबसे अधिक प्राथमिक है कि हमें वाणी का चिंतन करना है, चित्वनी करनी है और एक अक्षरातीत के प्रेम को पहले प्राथमिकता देनी है। तीन यदि हम कर लेंगे तो निश्चित है कि हमारा मन कभी झूठ बोलने के लिए इच्छुक नहीं होगा और न कभी चोरी जैसे बुरे कर्मों का आचरण करेगा। लेकिन ये तीन भी हम तभी कर पाएंगे जब किसी भी प्रकार के मादक आहार का सेवन न करें, तामसिक आहार का सेवन न करें। यदि हम वाणी भी पढ़ते हैं, चितवनी भी करते हैं, शराब पिए, मांस खाएं या किसी तरह का नशा करने वाला पदार्थ का सेवन करें, गुटखा वगैरह, तो क्या होगा, हमारी बुद्धि में विकार बने ही रहेंगे और हमारा ज्ञान केवल कहने की शोभा पर रह जाएगा, हम प्रियतम को अपने हृदय में बसा नहीं सकते हैं। इसलिए ये तारतम ग्रहण के दिन इसकी प्रतिज्ञा करनी होती, इसको कहते दीक्षा। आमतौर पर बोलचाल में कहा जाता है, क्या तुमने कंठी बुधवाई है? कंठी तो बेचारी जड़ है, वो क्या कर सकती है, ये तो मध्यकाल की विकृति है। वैष्णव को देखा देखी हम गले में कंठी डालते हैं, उसकी प्राथमिकता देते हैं, तारतम ज्ञान की प्राथमिकता नहीं देते कि तारतम ज्ञान सारे ब्रह्मांड को परम धाम के प्रकाश से भरने के लिए आया है। हम इस संसार में बैठे बैठे परम धाम को देखें, अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत के युगल स्वरूप को देखें, ये है तारतम का उद्देश्य। और इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई गुरु परंपरा शुरू की जा रही है। जैसे आपके अंदर परम धाम की आत्मा है, मेरे अंदर भी परम धाम की आत्मा है, आपके सतगुरु मेरे श्याम जी केवल राज्य है, वाणी के रूप में उनका ज्ञान ज्ञान में कलेवर है, और जो भी राज्य के ज्ञान की एक किरण का भी कुरुणांश मेरे पास आता है, मैं आपको एक मार्गदर्शक के रूप में समझाने का प्रयास कर सकता हूँ। आप अक्षरातीत युगल स्वरूप को अपना आराध्य मानिए, अपना सतगुरु मानिए, वाणी के कथन को अंतिम प्रमाण मानिए। जो वाणी कहती है वही सत्य है, मेरे से भी चूक हो सकती है क्योंकि मैं भी मानव तन लेकर बैठा हूँ और मनुष्य की बुद्धि एक सीमित दायरे में ही रह सकती है। जो उनकी कृपा से ज्ञान के कुछ पुष्प मेरे हृदय में आते हैं, मैं उसको बांटने का प्रयास कर सकता हूँ, किंतु वो मेरा नहीं है, वो राज्य का दिया हुआ है। इसलिए कभी मुझे कोई सदगुरु न माने, मैं आपकी तरह ही परम धाम की राह पर चलने वाला एक सहचर हूँ और मैं आपको यही प्रेरित करता हूँ कि ब्रह्मवाणी को पहली प्राथमिकता देते हुए, ब्रह्मवाणी के कथन को अंतिम सत्य मानते हुए, अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप को बसाइए। तातम में एक विशेष बात ध्यान रखनी होती है कि इसमें पहली चौपाई में कहा गया है, निज नाम श्री जी साहब जी अनादि अक्षरातीत। श्री जी किसको कहते हैं? जिसकी अनंत स्वभाव। साहब जी किसको कहते हैं? जो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है। वेद पक्ष में जो श्री जी है, कते पक्ष में वही साहब जी है। अब अक्षरातीत सारे ब्रह्मांड के लिए हमने एक छोटा सा संप्रदाय बना दिया, श्रीकृष्ण प्रणामी या निजानंद, तो ये उचित नहीं है। परब्रह्म आए हैं सारे संसार के लिए, आए हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन की सारी परिधियों से हमें उठाने के लिए आए हैं। हम एक छोटे से संप्रदाय के अनुयायी नहीं है। ब्रह्म वाणी सबके लिए होती है। सूर्य उगता है सारे संसार के लिए उगता है, चंद्रमा उगता है सबके लिए होता है। तो अनंत ब्रह्मांडों का जो निर्माता है
उससे भी परे जो अक्षर अतीत हैं वो क्या एक छोटे से संप्रदाय के लिए आ जाएंगे और वो कंठी पहनाने के लिए नहीं आए हैं? आप ये सोचिए कि जहां तक मैं समझता हूँ, तारतम ज्ञान को किनारे करके और कंठी को प्राथमिकता दे देना, चितवनी को किनारे करके केवल कर्मकांड को प्राथमिकता दे देना कि मंत्र जप किए मंत्र जप किए, मंत्र जपने से कोई लाभ नहीं है, वो तो बच्चों की पहली क्लास है। जो बच्चा चितवनी नहीं कर सकता, वाणी का स्वाध्याय नहीं कर सकता, उसके लिए कहा जाता है कि 5 बार तारतम का पाठ कर लो। तो इससे क्या होगा, तत् जप तदर्थ भावना, अर्थ की भावना से उसका जप हो। हम तारतम का जाप भी बच्चे से कराते हैं तो उसके अंदर विचारों में दिव्यता आएगी, ये उचित है और बच्चों से जप करवाना चाहिए। लेकिन यदि आपकी उम्र 15 से ऊपर हो गई है तो आपके लिए पहली प्राथमिकता है कि आप चितवनी कीजिए, आपके लिए पहली प्राथमिकता है कि आप नित्य ये प्रगटवाणी का पाठ करने की अपेक्षा पूरी ब्रह्मवाणी का राज से लेकर क्यामत नमक के चिंतन को प्राथमिकता दीजिए। आपको असहाय होने की आवश्यकता नहीं है कि हम गृहस्थी में हैं, हमको राज्य नहीं मिल सकते हैं। आप ये सोचिए, आप परम धाम की आत्मा है और अक्षरतीत प्राणेश्वर आपके प्राण की नली से भी सारक से भी अधिक निकट है। ब्रह्मवाणी ये दर्शाती है, ब्रह्मवाणी आपको आपकी आत्मा के स्वरूप की पहचान कराती है और कहती है जो तुम्हारे प्राण की नली से भी निकट है, तुम्हारे हृदय मंदिर में बसता है, जिसको खतीब की भाषा में सहारक से नजदीक होना कहते हैं, तो उसको पाना कुछ भी कठिन नहीं है। केवल एक आवश्यकता है, अपना सर्वस्व समर्पण केवल अक्षरातीत के लिए, अपने हृदय का अटूट प्रेम अक्षरातीत के लिए, एक पुरुषार्थ की भावना हो। चाहे हमारा ध्यान लगे चाहे ना लगे, हम प्रातः सायं दोनों समय रात को सोने से पहले अक्षरातीत को ध्यान में हृदय मंदिर में बसा कर सो जाए। उसके बाद न कोई पिक्चर देखिए न किसी से बातें कीजिए। उठते हैं तो बिना किसी से बात किए पहला प्रयास कीजिए कि आप युगल स्वरूप को हृदय मंदिर में बसा लीजिए। आप दिन भर कार्य करते रहिए, आपको कोई भी मानसिक तनाव नहीं रहेगा, हर तरह के शारीरिक रूप से मानसिक रूप से आत्मिक रूप से तीनों तरह से आप सुखी रहेंगे। मैं अभी आप कह रहा था कि निज नाम श्री जी साहब जी अनादि अक्षरातीत। अनादि किसको कहते हैं, जो कभी पैदा ना हुआ हो, अनादि काल से हो, अनादि है और जो अक्षर से परे अक्षरातीत है। उन्होंने इस तारतम ज्ञान के द्वारा अपने को क्या कहा है कि मेरा निज नाम मुझको कैसे संबोधित करना है, श्री जी साहब जी। श्री जी साहब का तात्पर्य होता है मेरी जो अनंत शोभा है कतई पक्ष में, और कतई पक्ष में मैं साहब जी हूँ, क्योंकि अंग्रेजी में उर्दू में अरबी में दोनों में साहब जिसको कहा जाता है, हिंदी ये हिंदी और संस्कृत में उसको हम श्री जी कह सकते हैं। जो सुंदर साहब निज नाम सीक्रेट जी कहना चाहते हैं, मेरी तरफ से उनको उनके लिए कोई व्यवधान नहीं है। जो ब्रज राज में अक्षर अतीत आए तो उन्होंने श्रीकृष्ण नाम को धारण किया, इस जागने के ब्रह्मांड में आए हैं, प्राणनाथ के रूप में आए हैं, सब की पहचान देने के लिए उन्होंने अपने को साहब जी कहा, निज नाम श्री जी साहब जी। इसका आशय क्या है, रोशनी पार के पार की दई साहेब नाम धराए, भाई दुनिया साफ मुसाफ से मुझसे कजा कराए। इसका तात्पर्य क्या है कि मैं शरीर विशेष के नाम से परे हूं, पर ब्रह्म को किसी शरीर विशेष के नाम के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। श्री कृष्ण जी का तन हो, मिहिराज का तन हो, देवचंद जी का तन हो, ये लौकिक तनों के नाम है, लेकिन पर ब्रह्म को यथार्थ विशेषात्मक नामों से ही संबोधित किया जा सकता है, क्योंकि उसको शरीर के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। इसलिए जब तारतम ज्ञान का प्रकाश आता है तो उसमें कहा जाता है कि वो कैसा है, अनंत शोभा है जिसकी, अनंत महिमा जिसकी है, वो है श्री जी। और साहेब जी कौन है, वो सबका स्वामी है। कतई पक्ष उनको साहेब जी कह रहा है, वेद पक्ष श्री जी कह रहा है। इसलिए कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, इसको सरलता पूर्वक कह सकता है कि हम श्री जी साहेब जी। सो तो अब जाहिर भय सबित वतन सहित, महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर कह रहे हैं कि परम धाम के ज्ञान के साथ प्रकट हुए हैं। श्री श्यामा जी वर सत्य हैं, सदा सत्सुख के दातार। श्यामा जी कौन है, पर ब्रह्म की हलादनी शक्ति, पर ब्रह्म की आनंद स्वरूप, और वो श्री श्यामा जी वर सत्य हैं। श्री श्यामा जी के प्रीतम कौन है, अक्षरातीत हुए, सदा सत्सुख के दातार, हमेशा अखंड सुख को देने वाले हैं। विनती एक जो बल्लभा, एक आत्मा
प्रार्थना करती है कि मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राणेश, मेरे प्राणधर, विनती एक जो बल्लभा मो अंगना की अवधार, मुझ आत्मा को अविधार जो स्वीकार कीजिए, मेरा हृदय का समर्पण, मेरा ये भग्न हृदय आपके लिए समर्पित है, मेरे धाम हृदय में अपना अखंड निवास बनाइए, वाणी मेरी पीव की न्यारी जो संसार, मेरे प्राणेश्वर के अक्षरातीत की वाणी क्या है, संसार से परे है, संसार साकार में भटक रहा है या निराकार में भटक रहा है, लेकिन ये तारतम वाणी ये संसार से न्यारी है, निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार, संसार आज तक नहीं जान पाया, अनंत काल से सृष्टि बनती रही है, अनंत काल तक बनती रहेगी, लेकिन आज भी पूरे विश्व में न जाने अरबों लोग लगे हैं परमात्मा को खोजने के लिए, किसी से पूछे कहाँ है परमात्मा तो सृष्टि के कणकण में बता देंगे, वाणी एक डंके की चोट से कहती है कि सारी सृष्टि निराकार में लय हो जाती है, अनंत ब्रह्मांड इस निराकार में लय हो जाते हैं, उसके परे बेहद है, बेहद के परे अक्षर है, और अक्षर के परे कौन है, अक्षरातीत, निराकार के पार थे, निराकार के परे कौन है, बेहद, तीन पार, उसके परे अक्षर, और अक्षर के भी परे कौन है, अक्षरातीत, वेद ने इसी अक्षरातीत को उपास्य माना, उपनिषदों ने इसी अक्षरातीत की बात की है, कुरान इसी को संकेत करती है, लेकिन कोई जान नहीं पाया था, आज कुलजम स्वरूप के रूप में, तारतम ज्ञान के रूप में, तारतम वाणी के रूप में हमें परम धाम की अनमोल अनमोल निधि प्राप्त हुई है, और वो दर्शा रही है कि निराकार के पार थे तीन पार के भी पार, मेरा प्रियतम कौन है, अक्षरातीत, जिसका धाम कहाँ है, निराकार के पार के पार, अंग उत्कंठा उपजी, मेरे मन में चाहना है कि क्या, मेरे करना है विचार, मेरे मन में ये विचार हो रहा है और मुझ आत्मा की ये इच्छा है कि ये सत वाणी मत के लूं जिनको सार, हमारे पास मस्तिष्क है, तीक्ष्ण बुद्धि है, हृदय है भावुक, वो क्या चाहेगा कि मुझे तो परम धाम की कोई पहचान बताने वाला चाहिए, आज पार्थिव शरीर से तो अक्षरातीत लीला नहीं कर रहे हैं, वो जानवे स्वरूप में कुलजम स्वरूप के रूप में उपस्थित है, इस ब्रह्मवाणी का जब हम चिंतन करेंगे हमारे हृदय के सारे संशय निवृत्त हो जाएंगे, याद रखिए केवल मानव योनि में ही अधिकार है कि वो ज्ञान को ग्रहण कर सकती है, अन्य किसी भी योनि में देखिए हर प्राणी की अलग अलग विशेषताएं होती है, किंतु मनुष्य की विशेषता केवल ज्ञान से है, और यदि मानवतन पाकर हम पर ब्रह्म का ज्ञान ग्रहण नहीं किए, क्योंकि लौकिक उपलब्धियों को दिलाने वाली जो भी हमारी डिग्रियां हैं, हमने यूनिवर्सिटी से बड़ी बड़ी डिग्रियां भले ही ले ली हैं, हम करोड़ों अरबों रुपयों की कमाई कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा धन तो यहीं रह जाएगा, हमें कोई तो बताने वाला हो कि हम कौन है, आप सोचिए जब आपका यत्न नहीं था, आप माता के गर्भ नहीं आए थे तो आप कहाँ थे, क्या आज पता है, कदाचित कोई व्यक्ति तन छोड़ता है तो कहाँ जाता है, कभी हर व्यक्ति अपने मन में सोचे कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, ये जो बोध कराना है ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, किसने हमें भेजा है, और इस तन को जब हम छोड़ेंगे तो हमारे सामने कौन दिखेगा, कि या ये यही धरती दिखेगी, आकाश दिखेगा, हम किससे बोलेंगे, हमारा अनादिकाल का स्वरूप क्या रहा है, इसलिए ये जानना ही वास्तव में यथार्थ ज्ञान होता है, इसको कहते हैं आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान। अंग उत्कंठा उपजी, मेरे करना ये विचार, ये सतवाणी मत के लें जो इनको सार, इन सार में कई सत्सुख सो में निर्णय करूंगा, जो मैं ब्रह्मवाणी का चिंतन करूंगा तो क्या होगा, मुझे सत्सुख परम धाम के अखंड सुखों का रसस्वादन इस संसार में यही बैठे बैठे होगा, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, अब वो पुराना जमाना गया कि पद यात्रा कर रहे हैं, महीनों महीनों थक करके चूर हो जा रहे हैं, तब हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं मंदिर में, आज वह युग है कि आप घर बैठे परम धाम की ब्रह्मवाणी का चिंतन कीजिए, और के अपने आराध्य को देखिए, आपका आराध्य आपसे हजारों किलोमीटर दूर नहीं बैठा है, इतना निकट है कि संसार का कोई भी रिश्ता आपके निकट उतना नहीं हो सकता, जब आप सो रहे होते हैं गहरी निद्रा में तब भी वो आपके पास रहता है,
केवल ज्ञान चक्षु को खोलने की आवश्यकता है, अपने अंतर्दृष्टि को खोलिए तो आपके हृदय मंदिर में अनादिकाल से वो रहता आया है, अनंत काल तक रहेगा। यही बोध कराना था कि परमात्मा को मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में नहीं खोजा जा सकता। ये स्थान तो केवल ज्ञान के संवाहक हैं, आपका हृदय मंदिर अनादिकाल से प्राणेश्वर की प्रतीक्षा करता रहा है। आप सोचिए, परम धाम में अनादिकाल से अक्षर अतीत तो आपके हृदय में ही थे, रहते रहे, किंतु लीला में डूबने से इसका बोध नहीं था। मैं हकर्ष में जुदा जानती ल्यावती शब्द में वर्णन, और आप तारतम ज्ञान के प्रकाश के द्वारा आंखें बंद कीजिए, अपनी अंतर्दृष्टि को हद भेद से परे परम धाम में ले जाइए और तुरंत पहुंच जाइए युगल स्वरूप के चरणों में। नक्ष से सिख तक की शोभा को देखिए, अब भटकने का युग नहीं रह गया है, निराशा के गर्त में डूबने का समय नहीं रह गया है कि हम पता नहीं हमारा क्या होगा, हम तो गृहस्थी हैं, हम इतने दूर सात समुन्द्र पार बैठे हैं, हमारा कोई नहीं, ऐसा नहीं। पल पल वो आपके साथ है, आप यदि उसकी तरफ तेज कदमों से चलने का प्रयास करेंगे तो दौड़ करके आपके पास आएगा, क्योंकि आपके हृदय मंदिर में वो रहता है। एक ही चीज याद रख लीजिए, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तो आपको सब कुछ शांति मिल जाएगी। जब येसु खंग में आवे तब छूट जाए विकार, जब ब्रह्मवाणी का रस आपके हृदय में आएगा तो आपको लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से परे शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूँ, और उससे भी परे शुद्ध आत्मा हूँ, और उससे भी परे शुद्ध परात्म हूँ, और परात्म दृष्टि से मैं अक्षरातीत का ही स्वरूप हूँ, परात्म की दृष्टि से मैं अक्षरातीत स्वरूप हूँ, आत्मा की दृष्टि से उनकी अर्धांगिनी हूँ, और जीव की दृष्टि से आप देखते हैं तो लगता है कि आराध्य हैं, हमारे राज्य पूज्य हैं, हमारे परब्रह्म हैं, लेकिन परात्म की दृष्टि से देखेंगे तो आप में और उनमें किसी भी तरह का भेद नहीं रहेगा। ये जो सार तत्व है जो आज तक कोई जान नहीं पाया था, अब चारों वेद पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, बाइबल पढ़ लीजिए, सब कुछ, लेकिन इन भ्रांतियों का निराकरण नहीं हो सकता। कोई भी इस आत्मबोध की अवस्था तक नहीं पहुंच सकता कि मैं और वो दोनों एक हैं, लेकिन तातन ज्ञान का हृदय में जब प्रकाश हो जाता है तो किसी तरह की भ्रांति नहीं रहती। और इसलिए आज के वैज्ञानिक युग में जब आपाधापी मची है अर्थ संग्रह के लिए, लोग भागे जा रहे हैं, सवेरे उठते हैं, काम पर जाते हैं, रात को थक हार करके आते हैं, खा पीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं। एक दिनचर्या बन गई है बिजली की तरह, एक मशीन, मनुष्य एक मशीन बन गया है, वो अपने शांति प्रेम और आनंद से कहीं ना कहीं दूर हट चुका है। लेकिन तारतम ज्ञान का प्रकाश ऐसा है कि आप आधे घंटे की तो क्या 15 मिनट भी शुद्ध हृदय से युगल स्वरूप के ध्यान में बैठ जाइए, फिर देखिए क्या आनंद मिलता है। जब आपको अधिक समय मिले प्रयास कीजिए कम से कम 1 घंटा अवश्य ध्यान करने का, 1 घंटा वाणी पढ़ने का, इससे अधिक समय मिले तो अति उत्तम है। लेकिन सब कुछ छूट जाए, न तो चितवनी छोड़िए और न वाणी का चिंतन छोड़िए। आपने जो भी सहयोगी हो उनको SPGIN का पता देते रहिए, ज्ञान की ज्योति को जलाते रहिए। आपको आज ज्ञान मिला है तो आपको भी दृढ़ संकल्प करना होगा, जब येसु खंग में आम ही तब छूट जाए विकार, आयु आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भर का, ये सुखदेव ब्रह्मशिष्ठ को तुम्हें अंगना। इस बात को याद रखिए, आपको ब्रह्मात्मा कहलाने का, सुंदर सात का कहलाने का अधिकार तभी है जब आपके अंदर यह दृढ़ संकल्प हो कि मैं जो सुख ले रहा हूँ, मेरी आत्मा जिस आनंद की अनुभूति कर रही है, उस आनंद की अनुभूति भी मैं सबको कराऊं, तो आप सुंदर सात है। अकेले खाना तो पाप है, आपको वाणी मिल गई केवल आप ही डूबे हुए हैं, आपको चितवनी का आनंद मिल रहा है, दूसरों को चितवनी नहीं सिखा रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। जितना बांटिए, आप जितना बांटेंगे राज्य की कृपा आप पर उतनी होगी। क्या कहा है, जो मेरे सिद्ध दो और को तित चले तुम्हारा हुक्म। आप ज्ञान से सबको बताइए कि हम कौन हैं, आप चितवनी कराइए, चर्चनी कराइए, तो संसार आपका कहना मानेगा, और ये बहुत बड़ी सेवा है। अजंता के अंधकार में भटकते हुए को आप एक प्रकाश स्तंभ बनकर उसका मार्गदर्शन करते हैं, इसे बड़ा पुण्य क्या, न जाने वो किस अंधकार में भटक सकता था, लेकिन आपने उसका मार्गदर्शन कर दिया, उसको परब्रह्म के चरणों से जोड़ दिया। तो ये किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर आपने नहीं किया, आपने मानवता का कल्याण करने की दिशा में किया, और ये कार्य सब श्रेष्ठ का सबसे बड़ा महानतम कार्य है कि हर प्राणी को परब्रह्म के चरणों की सानिध्यता में ले जाना, और यही बैठे बैठे उसको मार्ग दर्शाना कि वो परम धाम को देख सके, अपनी आत्मा के आराध्य को दे सके, उनके हृदय में डूब सके, उनको अपने हृदय में बसाकर संसार को भूल जाए,
तो अनंत शांति, अनंत प्रेम और अनंत आनंद का मार्ग उसको इस पंचभौतिक तन के रहते ही प्राप्त हो जाता है। तारतम्य ज्ञान का उद्देश्य यही है। मैं आशा करूंगा कि मैंने जो कुछ कहा है उसको पालन करने का प्रयास कीजिए। अब आप तारतम्य की इन्हीं 6 चौपाइयों को मेरे मुख से, जो परंपराबद्ध इसलिए किया गया है ताकि हमारे मन में किसी के प्रति श्रद्धा बनी रहे। गुरु का उद्देश्य क्या होता है? अज्ञानता से के अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलने वाला, और ये कार्य केवल परब्रह्म की कृपा से होता है, परब्रह्म ही करते हैं। मैं कोई गुरु नहीं हूँ और मैं कोई सतगुरु भी नहीं हूँ। सतगुरु तो बहुत ऊंची चीज है, मैं तो गुरु भी बनने के योग्य नहीं हूँ। मुझे जो भी वाणी के ज्ञान का प्रकाश अंश मात्र मिला है मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप ब्रह्मवाणी को अपना पथ प्रदर्शक मानेंगे, युगल स्वरूप को अपना सर्वस्व मानेंगे। मेरी जो भी बातें अच्छी लग रही हैं उसको ग्रहण करके आप जागने के पथ पर आगे बढ़ेंगे, तो आप ब्रह्मवाणी के सम्मुख एकाग्र होकर के बैठ जाइए। मैं तारतम्य की 6 चौपाइयां बोलूंगा। ये परंपरा इसलिए डाली गई है ताकि हमारे मन में किसी के लिए श्रद्धा बनी रहे, ताकि वो कुछ कहता है यदि उसमें सत्यता का अंश दिखाई देता है तो उसको ग्रहण करें, अन्यथा क्या होगा, यदि ये परंपरा बंद हो जाएगी तो हर कोई मनमाना कर लेगा, उसको अभी सत्य का बोध नहीं हुआ, वो दूसरों को भी भटका देगा और इस समाज में एक भटकाव की परिस्थिति बन जाएगी। इसलिए शिष्ट के प्रारंभ से ये परंपरा बनी हुई है कि जब कोई व्यक्ति अध्यात्म के पथ पर चलता है तो किसी को एक मार्गदर्शक के रूप में चयन करता है। जैसे नारद जी 4 वेद, 4 उपवेद, 6 उपांग पढ़े, इसके बावजूद भी सनत कुमार के पास जाना पड़ा था। इसलिए ऋषियों ने भी परंपरा बनाई है, सुंदर सात में भी ये परंपरा है कि हम भले ही वाणी का ज्ञान जानते हैं लेकिन किसी को एक आदर्श के रूप में मानने का प्रयास करते हैं कि वो हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, वो भी परम धाम के सुंदर साथ हैं, हम भी परम धाम के सुंदर साथ हैं। लेकिन यदि हम उनकी बातों को अंगीकार करेंगे तो हमें आध्यात्मिक लाभ अधिक होगा। इसको ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि किसी को गुरु शिष्य के बंधन में बनाया जा रहा है। हमें सबको एक दूसरे को आत्मवत सर्वभूत इसकी भावना से देखना चाहिए। आत्म सवनी एक दिशे जुजवीत दिशे दे, सबके अंदर परमधाम की आत्मा है। इसी भावना से आप तारतम्य ज्ञान ग्रहण करेंगे। मैं 6 चौपाइयों को बोलूंगा, आप श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मवाणी के सम्मुख बैठ जाइए और मैं उन चौपाइयों को दोहरा बोलूंगा, उसको पीछे पीछे श्रद्धा पूर्वक दोहराइए। नाम श्री जी साहब जी, अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भई, सब विध वतन सहित, श्री श्यामा जी वर्षत हैं, सदा सत्सुख के दातार, विनती एक जो वल्लभा, मोह अंगना की अविधार, वाणी मेरे पीव की, न्यारी जो संसार, निराकार के पार्थ है, तीन पार के भी पार, अंग उत्कंठा उपजी, मेरे करना ये विचार, ऐसत वाणी मत के, ले जो इनको सार, इन सार में कई सत्सुख, सो में निर्णय करूं निर्धार, ए सुख देऊ ब्रह्मशिष्ट को, तुम्हें अंगना नार, जब ए सुख अंग में आवी,
तब छूट जाए विकार, तब छूट जाए विकार, आयो आनंद अखंड घर को, आयो आनंद अखंड घर को, श्री अक्षरातीत भरता, श्री अक्षरातीत भरता, अब आप सब सुंदर साथ अपने सामने ब्रह्मवाणी को राज्य का वांग्मय स्वरूप मानकर प्रणाम कीजिए और उसके पश्चात अपने पास में स्थित सभी सुंदर साथ को प्रणाम कीजिए। मेरी तरफ से सबके लिए शुभकामना है, सभी जागने के पथ पर चलें और अपने हृदय मंदिर में अपने प्राणेश्वर को बसाएं और वाणी का शंखनाद चारों तरफ फैलाएं। प्रणाम प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, प्रणाम जी, स्वामी जी के चरणों में कोटान कोटि प्रणाम, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब प्रणाम का बोला तो है नहीं, स्वामी जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, स्वामी जी, प्रणाम जी, स्वामी जी ना चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सब संतों प्रणाम, प्रणाम जी, स्वामी जी, प्रणाम जी, बोलो प्रणाम जी, प्रणाम जी, स्वामी जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम जी, स्वामी जी, आशीष अपन सुंदर साथ को बोल सकते हैं दो शब्द, प्रणाम जी, प्रणाम जी, स्वामी जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, सबको किया गया है, एक मिनट क्या बाजी, आप प्रणाम, प्रणाम जी को हम सब सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। और अभी श्री आकाश श्रीवास्तव जी यूएसए या श्री पूनम श्रीवास्तव जी यूएसए वो अपने भाव प्रकट करना चाहें, आप अपने भाव प्रकट कर सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, सबके लिए फूल माला और चंदन भी हमने रखा था, भोग राज जी का फूल माला भी लेकर आए थे, आपने कहा था मीनू आंटी, तो हम... हाँ कोई बात नहीं, आप भोग लगा लेना, एक बार अपने भाव रखो। ये लॉकडाउन वैसे तो सबके लिए वैसे ही पूरी दुनिया के लिए खराब था प्रणाम जी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा राज्य की मेहर थी, सब कुछ था मेरे ऊपर। ये वाणी पिछले 2 साल से हमारे यहाँ रखी हुई है, ना मैंने कभी बीत तक वो पढ़ी ना कुछ हुआ, फिर एकदम से मेरी वाइफ ने पूनम ने मुझे बीत तक सुनाई, तो उस समय औरंगजेब का प्रकरण चल रहा था, तो उसी समय पता नहीं राज्य की मेहर हुई क्या हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे इसको सुनना चाहिए, तो फिर मैंने day 1 से इसको सुना, जो भी सरकार ने पूरी चर्चा कही वो मैंने day 1 से सुनी और उसको फिर मैंने दोबारा सुना, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं शायद मैं, चूंकि स्टार्टिंग में रास और ब्रज में मैं कहीं कंफ्यूजन हो रहा था, तो मुझे लगा कि मैं फिर से इसको पढूं, तो सुना मैंने सरकार की चर्चा और मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो मैं जब भी वॉक करता हूं तो मैं उसको सुनता हूं। फिर मुझे लगा कि सरकार ने उस पर जोर दिया कि तुम्हें वाणी पढ़नी चाहिए, तो मुझे लगा कि मैं एक बार वाणी पढ़ के देखूं है क्या, तो मीनू आंटी का थैंक्स कि उन्होंने मुझे, हमें सागर ग्रंथ दिया था, तो मैंने सागर से स्टार्ट किया, तो पहले मैं अकेले पढ़ता था तो मुझे वो रस नहीं मिलता था, मतलब मिलता था रस, लेकिन वो मुझे, चूंकि मैं बिल्कुल अभी नया नया ही था तो मुझे उतना ज्ञान नहीं था, तो फिर मैंने पूनम से बात किया तो पूनम ने बोला कि हम साथ मिलके पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमने फिर मिलके पढ़ना शुरू किया, तो हम दोनों को आनंद आने लगा, धीरे धीरे रस बढ़ने लगा, तो सागर समाप्त हुआ तो फिर हमने खिलवत चालू किया, तो खिलवत तो और उससे भी अच्छा मुझे लगा,
मतलब खिलवत तो वास्तव में बहुत ही प्यारा ग्रंथ, वो जो भी सब वर्णन किया गया बहुत ही अच्छा है। मैं मेरी भाषा को माफ करिएगा क्योंकि मैं हो सकता है कि उस शब्दों में कुछ। बयान नहीं कर हाँ। सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई साथ में चल रहा है। जब भी मैं ऐसा फील मुझे होता है कि मेरे साथ कोई है हर समय, जो बोलते हैं कि श्वास नदी के पास में, तो वैसा मुझे फील होता है कि मेरे साथ कोई है हर समय। राज जी हैं, मतलब जो मैंने पढ़ा उसके बाद में बता रहा हूँ कि मुझे लगता था कि मेरे साथ हैं, तो वो राज जी ही मेरे साथ हर समय मेरे साथ चल रहे थे। तो यही मेरा अनुभव है। तो मुझे वास्तव में बहुत सुखद रहा, मेरे लॉकडाउन मेरे लिए सुखद रहा, क्योंकि मैं घर से काम कर रहा था, तो मुझे वाणी और बीतक पढ़ने में कोई समस्या, सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी राज जी की मेहर थी जो मेरे ऊपर लॉकडाउन में हुई है। स्वामी जी का टीका भी बहुत तो स्वामी जी का टीका भी मैंने पढ़ा, तो वास्तव में बहुत अच्छा लिखा गया, उसमें सारे बहुत अच्छा वर्णन प्रश्न किया गया, बहुत अच्छा तरीके से समझाया भी गया है। पढ़ते समय जो भी प्रश्न मन में आते थे पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, अगली चौपाई में ही उसका उत्तर भी मिल जाता था। इतना अच्छा उसमें टीका राजी का किया है आपने स्वामी जी, कि मतलब हम लोगों को कुछ मेहनत नहीं किया आपने, तो परोसा हुआ हमको दे दिया कि राजी का सुख है वो परोसा हुआ हमें मिल गया, हमने कोई मेहनत नहीं की, तो हम तो कहते हैं मुख से हम इस काबिल नहीं है जो हमें मिला है। कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी तो मुझे पूनम के नाम से नहीं रानी के नाम से जानते होंगे। ठीक मैंने कॉल किया था आपको। बहुत बहुत धन्यवाद अपने दिल के इतने प्यारे उद्गार सब सुंदर साथ के सामने रखने के लिए, और हम सबको भी ये प्रेरणा देने के लिए कि आपने तारतम ग्रहण करने से पहले ही वाणी पढ़ी, बीतक पढ़ी, सबकी पहचान की, बहुत बड़ी बात है। हमने 7th 8th में पहले तारतम ग्रहण कर लिया था, बाद में भी प्रेरणा देनी पड़ती थी कि आप इसको पढ़िए, आप इसको सोचिए, बहुत बड़ी बात है ये। राजजी की बहुत मेहर हुई है आप पर, और राजजी ऐसे ही आपको इस पथ पर आगे बढ़ाए रखें, यही शुभकामना है। प्रेम प्रणाम जी। दो और किरणतन की चौपाई बोलना चाहती हूँ, हाँ जी खिलवत की है। रे रू करे ना अपनी कछु अपनी, रे रू करे ना कछु अपनी, की तुरझी उम्मत माही, रे रू करे कछु अपनी, की तुरझी उम्मत माही, उमर गई गुण सिफत में, उमर गई गुण सिफत में, तोहे अजो इश्क आया नाही, रे रू करे ना कछु अपनी, के तुरझी उम्मत माही, के तुरझी उम्मत माही। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अति सुंदर, जितने मीठे आपके दिल के भाव हैं उतनी ही मीठी राज्जी ने आपको आवाज भी दी है। प्रेम प्रणाम जी। अब जिग्ना जी यूएसए से, जिग्ना जी यूएसए, वो भी अपने दिल के भाव 2 मिनट के लिए रखना चाहेंगी। हाँ जी जिग्ना जी, प्रणाम जी, सुंदर सा जी, प्रणाम स्वामी जी जी। को मेरा कोटान कोट प्रणाम जी स्वामी जी, और सभी सुंदर साथ को भी, आज जो भी सुन रहे हैं अभी इस जूम पे बैठ के, सभी सुंदर साथ को मेरा आपके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। राज जी की असीम कृपा और मेहर से आज के पवित्र दिन पर स्वामी जी से ये तारतम ग्रहण करने का हमको आज अवसर मिल रहा है। तो स्वामी जी आपको पहले प्रणाम जी, और फिर हम लोगों अपने वतन से तो बहुत दूर है आज, फिर भी इधर यूएसए में रहकर फिर भी राज जी की कृपा हमारे पर इतनी बरस रही है कि हम युगल स्वरूप से तो दूर नहीं है, राज जी की मेहर हमारे पर पल पल बरस रही है। आज भी हम जूम पे बैठ के जो चर्चा वाणी हो गायन तो वाणी गायन हो रही है उसका भी लाभ ले रहे हो, और चर्चा भी
और आज तो हम वो थारतम भी ग्रहण कर सकते हैं और अक्षरातीत के प्रेम को पा सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे वो परम धाम को भी हम देख सकते हैं और युगल स्वरूप को अपने दिल में बसाना ही जरूरी है। और ये पावन घड़ी आज हमने पाई है इधर बैठ के, तो उसके लिए मीनू दीदी और आशीष भाई और जो सोनिया दीदी है वो ही हमारी बहुत आभारी है। प्रणाम जी। आभार केवल राज्जी का, आभार स्वामी जी का, सब राज्जी की मेहर, स्वामी जी का आशीर्वाद। वो तन जिसको चाहे उसको यूज कर लेते हैं। तो आप सब सुंदर साथ को बधाई। और कोई सुंदर साथ जिन्होंने आज तारतम लिया हो वो अपने भाव प्रकट करना चाहते हो तो वो बता सकते हैं और 2 मिनट के लिए बोल सकते हैं। और जिग्ना जी, आपने कहा ना हम आज अपने वतन से बहुत दूर हैं, तो मुझे याद आया हम शायद इस तन के वतन से बहुत दूर हैं पर आत्म के वतन से आज उन्होंने मिलवा दिया, वो नाता जोड़ दिया और आज से उस वतन से कोई दूरी नहीं रहेगी। प्रणाम जी। हाँ जी मीनू दीदी, आप बोलिए 2 शब्द, क्योंकि सब सुंदर साथ जो तारतम ग्रहण करना चाहते थे और ये वाकई में एक सुनहरा अवसर ही प्रूव हुआ कि इतनी दूर बैठे हुए इतने सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ा, ये सुनकर हम बच्चों के मन में भी आया कि अरे जब जाएंगे तब लेंगे, हम भी ले सकते हैं, आज ले सकते हैं वो तारतम एक्सेप्शन जो हमें राज्जी ने ये दी लॉकडाउन के रूप में, उसको हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा अवसर ये सुंदर साथ को आज मिला। और मीनू दीदी आप 2 शब्द जरूर बोलिए। नर्मदा जी शायद कुछ कहना चाह रही हैं, उन्होंने हाथ हैंड रेस किया हुआ है अपना, तो नर्मदा जी के बाद मीनू जी को सब फोन आए और सुंदर साथ ने अपने बारे में उनको बताया कि वो तारतम अब क्यों ग्रहण करना चाहते हैं, तो मीनू जी उनके बारे में सबको सब सुंदर साथ से अपने विचार साझा करेंगी। हाँ जी नर्मदा जी आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैंने पहले तारतम लिया था पर मुझे बहुत इच्छा थी कि स्वामी जी के पास से मैं तारतम लूं, तो मैं आज स्वामी जी के पास से तारतम ले लिया है। बहुत आनंद आया मुझे आज। हम सब सुंदर साथ आपके आनंद को लेकर बहुत आनंद विभोर हो रहे हैं, हम सबको भी बहुत खुशी हो रही है। प्रणाम जी। हाँ जी मीनू दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ शारदा पटेल जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको भी आप लोग। हाँ जी शारदा जी आप बोलिए। आवाज। हाँ जी आपका अनम्यूट हो गया है, आप बोलिए। नहीं आवाज नहीं आ रही आपकी। हेडफोन नहीं लगाया आशीष शायद। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका ये डिसकनेक्टेड ऑडियो है आपका ना। एक मिनट आवाज नहीं आ रही, म्यूट करके वापस अनम्यूट करिए। नहीं आ रही आपकी आवाज नहीं आ रही शारदा पटेल। शारदा जी आप लीव करके वापस आइए, तब तक दीपांशु जी ने हैंड रेस किया हुआ है। दीपांशु जी हाँ जी अनम्यूट कीजिए। दीपांशु जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। सब सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा। प्रणाम जी अपना नाम बता। प्रणाम कर। मेरा नाम अनिका है। अनिका यही है। ओ माय। तो इन्होंने आज तारतम ले लिया। हाँ जी इन्होंने ले लिया। अरे वाह बहुत बहुत बधाई हो बेटा आपको। छोटी सी सखी पता है ये मेरे साथ शाम की सेवा पूजा में मेरे साथ रहती है और इसको सारा लर्न है और ये वाणी भी सुनती है और इसको वाणी समझ भी आती है। ये क्वेश्चन करती है मेरे को, बताती है कि मेरे को ये समझ आया है।
और ये नहीं समझ आया कि ये बता दिया और बहुत तभी इन्हीं की बात हो रही थी सोनू मेरे को ये छोटी बड़ी आपको बहुत बहुत बधाई हो इस छोटी सी सखी के दर्शन करके सब सुंदर साथ बहुत खुश हुए प्रणाम जी बहुत दिनों से पीछे पड़ी हुई थी कि मेरे को भी दिलवाओ मेरे को भी दिलवाओ और राज जी ने देखो आज ये मौका नहीं दिया जी बिल्कुल प्रणाम जी ये ऑनलाइन दिलवा दिया हाँ जी मीनू दीदी हाँ जी प्रणाम जी सबको प्रणाम जी मैं मेरे पास कोई शब्द नहीं है आज के दिन के लिए सब कुछ स्वामी जी ने बोला सब सुंदर साथ के भाव रितेश जी का कल फोन आया था रितेश जी है हमारे साथ वो खुद अपने मुख से बोलना चाहेंगे तो और भी अच्छा है जो उनके दिल में दर्द था वो इंदौर के सुंदर साथ वो उन्होंने जो मुझे बताया कि मेरे को यहाँ कोई सुंदर साथ आए थे कोई आए थे वो बोल रहे थे कि मेरी मुक्ति तो सिर्फ तारतम ज्ञान से होगी मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हैं सब कुछ ले लिया शिव जी को वो मानते हैं लेकिन उनके दिल में ये तड़प थी कि कौन आएगा वो दोबारा कोई आया ही नहीं इंदौर में मैं वेट कर रहा हूँ कौन वो आएंगे जो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए वो तारतम ज्ञान मिल जाए तो कल उन्होंने फेसबुक पे ये सब पढ़ा तो उनके दिल में वो तड़प हुई मुझे फोन आया जब पहले उन्होंने मुझसे नमस्ते बोला तो मैंने प्रणाम जी आगे बोला तो उन्होंने एक तरह से विरह उनके अंदर जगा हुआ था कि मुझे तारतम ज्ञान चाहिए मुझे उस परमात्मा से मिलना है तो कोई आ ही नहीं रहा इंदौर में जो मुझे ये ज्ञान देगा तो मेरे लिए ये अवसर है सुनहरा अवसर जो मैं इसको प्राप्त कर सकता हूँ मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हैं तो अच्छे से उनके दिल में जो भी बसा राज्य उनको देंगे सब कुछ उनके दिल का यदि आप उनसे प्रणाम करोगे तो अच्छा रहेगा रितेश जी आप अनम्यूट होके एक बार आप प्रणाम करो सुंदर साथ को अब आप हमारे अंग हो सुंदर साथ हो हमारे प्रणाम प्रणाम जी कोटी कोटी प्रणाम हाँ जी आप बोल सकते हो मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि आज सारसम का ज्ञान प्राप्त हुआ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सभी को कोटी कोटी प्रणाम प्रणाम जी और इसके अलावा एक दो और सुंदर साथ थे जो सिर्फ उनके दिल में यही डर था उनके बाकी सब परिवार नॉन प्रणामिस कह लो या कुछ भी कह सकते हैं हम जो वर्ड मैं यूज कर रही हूँ मेरे पास शब्द नहीं होते अच्छे तो उन्होंने यही कहा कि मेरे को हम निकल नहीं सकते हम आ नहीं सकते क्योंकि सब मानते नहीं है हम घर में अपनी वाणी भी नहीं रख सकते हमारे हाथ में सिर्फ मोबाइल है उसमें ही सब कुछ है तो हम कैसे करेंगे इसमें मैंने कहा कोई हर्ज नहीं है आप मोबाइल में राजी रखो मोबाइल में सब रखो लेकिन एक भाव तुम्हारे होने चाहिए राजी के प्रति तो उनके दिल में दर्द था इतना रोए वो सुंदर साथ कि भाई अब मुझे इस चीज से मिलन हो रहा है मुझे मेरे को तारतम नहीं मिला लेकिन सुंदर उनके घर में जो परवाही जो दूसरे उनको लेने नहीं देते राजी रखने नहीं देते तो ये सुंदर साथ का एक दर्द था तो ये स्वामी जी तक हमने पहुंचाया कि ये सुंदर साथ को हमने मिलना है उनको जो चीज उनके दिल में है उनको मिलनी चाहिए तो ये सब प्रोग्राम राजी की मर्जी से हुआ क्योंकि धनी देवचंद्र जी को जब राजी के दर्शन हुए तो उन्होंने कहा आप कहाँ जाओगे तो कहते मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हारे दिल में बैठूंगा तो तुम्हें कुछ नहीं करना सुंदर साथ मैं ही ढूंढ के लाऊंगा तुमने कुछ नहीं करना तो ये सब राजी ढूंढ के ला रहे हैं हमारा इसमें कोई सहयोग नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते हम एक कठपुतली हैं जो राजी कर रहे हैं सिर्फ राजी कोई किसी का नाम नहीं तन किसी का भी यूज करें सिर्फ सुंदर साथ को ढूंढने वाले राजी एक एक जगह ढूंढ के चुन चुन के सुंदर साथ लेके आते हैं ये एक जूम का एक बहाना बना जिससे हमें सब सुंदर साथ मिल रहे हैं इसकी बहुत खुशी है एक बहुत खुशी मेरे सुंदर साथ की प्रणाम जी सुंदर साथ जी सबको बधाई हो राजी के मिलन की सब सुंदर साथ को कि हम राजी की सेवा में आगे बढ़े और राज्य के लिए जो कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए करें और कुछ प्रणाम जी सबको प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी स्वामी जी को कोटानुकोट प्रणाम जी हाँ जी सोनू आप ले सकते हो हाँ जी प्रणाम जी सुलभ जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे आपने
मेहर बहुत बड़ी हुई, इसको मैं बखान नहीं कर सकती, मैं बोल नहीं सकती और ज्यादा इससे कुछ। बहुत प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।